हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक और गिटार लेसन लेके आया हूँ। मुझे कमेंट्स आते रहते हैं, मैं उनको पढ़ता रहता हूँ, फिर जो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ जो गाना वो पूछ रहे हैं और वो मेरा मन करता तो मैं गाने का लेसन बनाता हूँ। तो गाना है इश्क छुपता नहीं छुपाने से, मूवी है बेवफा और इसमें अक्षय कुमार और करीना कपूर मेन हैं। और ये गाना जो है अभिजीत भट्टाचार्य जी ने गाया हुआ है। तो गाने को मैंने पहले कवर किया था, उस पर कमेंट्स आए हैं तो उसमें रिक्वेस्ट आई हुई है कि इसका एक लेसन बनाया जाए, तो इसलिए मैं बना रहा हूँ। तो आपको मैं बताता हूँ, पहले कॉर्ड बताऊँगा कौन कौन सी हैं, उसके बाद मैं स्ट्रमिंग पैटर्न बताता हूँ और फिर मैं आपको बजा के दिखाता हूँ और गाने के साथ। और फिर इसमें आई थिंक रिफ फ्लिप तो कुछ है नहीं, लेकिन जो टैब्स मैं भी अगर ये गाना बजाना है आपने तो थोड़ा सा वो भी मैं कोशिश करूँगा। मैं कुछ तैयारी करके नहीं बैठा हूँ, ठीक है? तो इतना मैं बताऊँगा, आप प्लीज़ देखें और बताएं मुझे आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में, और लाइक करें अगर आपको अच्छा लगे और सब्सक्राइब भी करें क्योंकि आगे भी ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, इसका जो गाने का जो की है, जो ओरिजिनल की है, वो आपका ए शार्प है, ए शार्प मेजर। तो ए शार्प मेजर मैं ऐसे बजा सकता हूँ, और आपको पता है ए शार्प मेजर यहाँ भी बज सकता है, ठीक है? सॉरी, यहाँ पे ये आपका ए हो गया और ये सिक्स फ्रेट पे बार करके यहाँ पे ए शार्प बजाता है। इसी के जब आप फिफ्थ स्ट्रिंग वाला बेस मान के जब नीचे दबाओगे यहाँ पे, तो ये आपका डी शार्प बजता है। और वन फुल फ्रेट, मतलब फुल फ्रेट मतलब आप जब सेवन्थ फ्रेट पे बार करोगे और यहाँ पे मेजर स्केल में जब फिफ्थ स्ट्रिंग बेस मान के जब बजाओगे तो ये आपका एफ मेजर बनेगा, ठीक है? तो एफ मेजर आप यहाँ भी बजा सकते हो, ठीक है? और डी मेजर, डी शार्प मेजर जो है वो यहीं बजाओगे तो बेटर रहेगा, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे ये विदाउट बेस जो है इन तीन स्ट्रिंग को, नीचे वाली तीन स्ट्रिंग को बजाओगे तो ये डी शार्प हो जाएगा, ठीक है? तो कॉर्ड्स मैंने तीन आपको बता दी, ए शार्प, डी शार्प, एफ मेजर, या फिर आप यहाँ बजा लो ए शार्प, डी शार्प, ठीक है? इस स्ट्रिंग को आपको छोड़ना पड़ेगा फर्स्ट में, डी शार्प और एफ मेजर, ठीक है? तीन ये कॉर्ड होगी। इसके अलावा सी माइनर है इसमें, तो थर्ड फ्रेट को बार करना पड़ेगा और यहाँ पे ये सी माइनर, ठीक है? और इसके अलावा इसमें जो कॉर्ड बज रहा है वो कोई भी नहीं है, तो तीन ही कॉर्ड्स हैं जो मेन यूज़ हो रही हैं। तो इसके बाद मैं आपको स्ट्रमिंग पैटर्न बताता हूँ। तो देखो, तो कैसे बज रहा है ये, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन, मतलब आप इसको ना देखो, इसको मैं बोल के क्या बताऊँ आपको, डाउन अप डाउन डाउन अप, ये थप है, मतलब कि चक, सॉरी जैसे चक बोलते हैं मैक्सिम यूट्यूबर, तो डाउन अप चक डाउन अप चक डाउन अप चक डाउन अप चक, तो डाउन अप डाउन अप चक 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 डाउन अप चक, तो यही है। और इसको मैं अब आपको बजा के दिखाता हूँ लिरिक्स के साथ। तो देखो कैसे है, ए मेजर मैं यहाँ बजाऊँगा बार करके, आप चाहे यहाँ बजा लेना। मैं क्यों बजा रहा हूँ, क्योंकि डी शार्प मैं यहाँ वाला बजाना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ मेरे को डी शार्प इजीली बज जाएगा, मेजर जो होता है डी शार्प मेजर, और एफ मेजर यहाँ बज जाएगा, ठीक है? तो ए शार्प मेजर मैं सिक्स फ्रेट पे बार कर रहा हूँ ये, और ऐसे इश्क छुपता नहीं, आप शुरुआत में ऐसे कर सकते हो चाहे, मतलब विदाउट स्ट्रमिंग, इश्क छुपता नहीं छुपाने से, इश्क छुपता नहीं छुपाने से, तेरा आशिक एफ मेजर,
तेरा आशिक हूँ मैं जमाने से। तो क्या बजा रहा हूँ मैं, ए शार्प, इश्क चुप थे चुप सी माइनर से, ए मेजर, ए शार्प मेजर, तो ए शार्प मेजर सी माइनर ए शार्प, फिर तेरा आशिक पे, तेरा आशिक एफ मेजर हूँ मैं जमा, डी शार्प मेजर ए मेजर, तेरा आशिक हूँ मैं, ठीक है, तो जमाने से तेरा आशिक हूँ मैं समा। ओके, इसको मैं दोबारा करता हूँ, देखो, तेरा आशिक हूँ मैं जमाने से, तेरा आशिक हूँ मैं जमाने से, ठीक है, तो कैसे किया, तेरा आशिक, तो आशिक पे आप आशिक हूँ मैं जमाने आप चाहो तो डी शार्प को स्किप भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट सी माइनर बजाओगे अच्छा लगेगा। तो कैसे, तेरा आशिक हूँ मैं जमाने से, तो क्या कर रहा हूँ देखो मैं, तेरा सी माइनर हूँ मैं एफ मेजर, ठीक है, या फिर जैसे मैं पहले कर रहा था, तेरा जमाने से, तो मैं डी शार्प जाता हूँ, फिर सी माइनर पे आ जाता हूँ एकदम, फिर एफ मेजर, तो आपकी मर्जी है, आप डी शार्प मेजर बजाना नहीं बजाना है, आप उसको स्किप करोगे तब भी अच्छा लग रहा है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। रुकना मुझको पास आने से, रिपीट, तो ये वाला जो स्टैंड जाते हैं, राशिकों फिर जमाने थे राश, फिर से रोकना वाले जो है, इस सेम जो पहले मैं गायब किया वही सारे कोड्स हैं। तो मैं वर्स वन पे चला जाता हूँ, अब मुझे छोड़ के ना जाना तुम, अब मुझे, ठीक है, तो हाँ इसमें एक और चीज़ आती है बीच में, महबूब शाह सेकंड स्टेप में, सॉरी मैं फर्स्ट स्टेप में इसको मिक्सअप कर रहा हूँ, तो इसको करता हूँ फिर से, अब मुझे छोड़ के ना जाना तुम, तो क्या बजा रहा हूँ, ए शार्प मेजर जाना तुम, आप डी शार्प को स्किप भी कर सकते हो या मेरी तरफ जा सकते हो, अब मुझे छोड़ के ना जाना तुम, दिल मेरा तोड़ के ना जाना तुम, तुम तो आए हो मनाने से, खो ना जाना ठीक। तो ये सेम कोड्स हैं, रिपीट हो रही हैं, ए शार्प सी माइनर, फिर जाने जाती, तो ए शार्प, जाने जाती है तेरे जाने से, जाने जाती है तेरे जाने से, ए मेजर, ए शार्प मेजर एंड सी माइनर, तेरा आशिक हूँ मैं जमाने से, तेरा आशिक हूँ मैं जमाने से।
तो इसका जो महबूब वाला जो आता है, तो ये भी सेम जो पहले वाला स्टैंजा मैंने बताया वैसे ही ये सेम बज रहा है। देख के तुमको जीता मरता हूँ, हर घड़ी याद तुमको करता हूँ, भूल सकता नहीं भुलाने से, भूल सकता जमाने से, तेरा आशिक हूँ मैं जमाने से, तेरा आशिक हूँ मैं जमाने से, इश्क छुपता नहीं छुपाने से। तो ये कोर्ड्स तो आप, अगर आपको बार कोर्ड्स नहीं बजानी है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक और तरीका कि आप इसको ए शार्प में ना बजा के आप इसको ए मेजर में बजाओ। तो ए मेजर से क्या होगा, ए मेजर कोर्ड आ जाएगी, डी मेजर आ जाएगी, डी शार्प की जगह डी आ जाएगा और एफ की जगह ई आ जाएगा और सी माइनर की जगह बी माइनर आ जाएगा। तो कोड्स जो हैं वो सारे, मैं इसका जो लिस्ट मतलब लिरिक्स एंड जो इसके पूरी कोड्स लिरिक्स के साथ जो है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो पूरा शीट जो है। तो वही है कि आपको अगर इसका वो शार्प वर्जन नहीं बजाना, अगर बार कोड्स नहीं बजानी है तो इसको ए मेजर में कर लो तो ईजी रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा इसका जो टैब्स हैं, अगर मैं इसको, तो आपको ए मेजर स्केल पकड़ना है कि ए मेजर स्केल कहाँ है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे ए, सॉरी ए शार्प मेजर, तो ए शार्प ऐसे बजा रहा हूँ, तो आपको पता है कि ये ए मेजर, ए शार्प मेजर नोट होता है। इसी में आपका गाना बजेगा, ठीक है, इसी स्केल में। अगर आपको स्केल पकड़ लिया तो आप सारा गाना बजा सकते हो। ठीक है, यहाँ नहीं बजाना तो ए शार्प नोट को कहीं यहाँ ढूंढ लो। देखो आपको जो जी वाली स्ट्रिंग होती है उसमें जी, जी शार्प, ए, तो और ए शार्प, यहाँ पे भी आप इसको बजा सकते हो। तो ए शार्प कौन सा नोट मैंने बताया आपको, ये बताया थर्ड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट। तो इसके थर्ड फ्रेट का फोर्थ स्ट्रिंग में से शुरू करना है, फोर्थ स्ट्रिंग, फोर्थ फ्रेट, सॉरी थर्ड फ्रेट, फिफ्थ फ्रेट, इश्क। तो ये थर्ड फ्रेट आपका ए, ए शार्प हो गया और फिफ्थ फ्रेट फिर आपका सी।
ठीक है, तो इसको आप कर सकते हो, मैं आपको स्केल बता दिया। इसको मैं सच में इसकी कोई प्रिपरेशन नहीं करके आया, तो आपको मैं ज़्यादा नहीं बता सकता अभी, क्योंकि अभी मुझे नहीं तो फिर ट्राई ट्रुई करके आपको बताना पड़ेगा, तो वो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। तो मैं इतना ही आपको कोड्स और वो बता दिए। अगर आपको इसके बाई चांस अगर आपको टैब्स भी इसका डिटेल में अच्छी होगा तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं कर दूंगा वो। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को बता दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बाकी आप खुश रहो, आबाद रहो और सीखते रहो। और लेसन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता दें। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।